जय हिंद मित्रों। कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक के बाद पुनः शुरू हो गई। दिल्ली से यात्रा शुरू हुई और उत्तर प्रदेश के बागपत में आकर ठहर गई। कल सुबह 6 बजे से पुनः शुरू हो जाएगी। इस यात्रा को लेकर पता ही आपको, यही दावा किया जा रहा है कि वो भारत को जोड़ने निकले हैं, प्रेम फैलाने निकले हैं, नफरत को मिटाने निकले हैं, प्रेम की दुकानें खोलने निकले हैं। तो ऐसा ही दावा, कुछ ऐसी ही बातें कुछ दूसरी तरफ वरुण गांधी द्वारा भी की जा रही हैं। वो भी प्रेम बांटने की बात कर रहे हैं, वो भी नफरत को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वो भी सच के साथ जाने की बात कर रहे हैं। उनका वीडियो भी हाल फिलहाल बहुत वायरल हुआ था, तो पहले आप इस वीडियो पर एक नज़र डाल लें। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो यह भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे, इस वीडियो में एक खास बात यह है कि वो कह रहे हैं कि भाई से भाई को बांटा जा रहा है। तो पहला सवाल तो यही है, जब आपको स्पष्ट पता है कि भाई से भाई को बांटा जा रहा है, तो और आपको ये बात पता चल गई, तो आप अपने भाई के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अपने भाई से क्यों दूरी बनाए हुए हैं? मतलब राहुल गांधी और वरुण गांधी सगे चचेरे तहरे भाई हैं, तो आप दूरी आपके बीच में दूरियां क्यों हैं? कौन आपको बांट रहा है और कौन आपको मिलने से रोक रहा है? तो आपके विचार जब एक जैसे मिल रहे हैं, आप प्रेम फैलाना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं, दोनों भाइयों के एक जैसे ही विचार हैं, तो आप दोनों भाई आपस में क्यों नहीं मिल जाते? अब इसमें कहाँ, आपको तो क्लियर है कि आपको कोई बांट रहा है, कोई मिलने नहीं दे रहा है। तो जब ये बात पता चल जाती है, तब भाव बदल जाते हैं। तो भाव बदलने के बाद मिलजुल कर लेना चाहिए, एक दूसरे की ताकत बन जाना चाहिए, दोनों को मिलकर भारत को जोड़ना चाहिए, दोनों को मिलकर प्रेम फैलाना चाहिए। लेकिन ये बातें मीडिया में ही चल रही हैं, एक दूसरे के वीडियो ही वायरल हो रहे हैं, आमने सामने जाने को अभी कोई तैयार नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष पर लगातार ये दबाव बनाए हुए हैं कि वो उनकी यात्रा का समर्थन करें, उस यात्रा में विपक्ष के नेता सम्मिलित हों। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने स्वार्थ हैं, कोई समर्थन कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, कोई यात्रा में जा रहा है, कोई नहीं भी जा रहा है। ऐसा ही कुछ अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर हुआ। राहुल गांधी ने कोई एक तीखी टिप्पणी की, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी थोड़ी सी तीखी बात की। अगले ही दिन अखिलेश यादव ने
एक पत्र जारी करके यात्रा को बधाई और शुभकामनाएं भी दे दी, बात वहीं समाप्त हो गई। लेकिन जैसा दबाव विपक्ष के अन्य नेताओं पर बना जा रहा है, समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, राहुल गांधी सगे भाई को लेकर ऐसी बात क्यों नहीं कर रहे? उन्हें फोन कॉल कर सकते हैं, उन्हें पत्र जारी कर सकते हैं, उन्हें अपना प्रतिनिधि भेजकर बुलवा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को बुलाने का प्रयास नहीं कर रहे। सगे चचेरे तेरे भाई के मिलने से देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, लोगों को लगेगा इन्होंने अपना परिवार जो 2.5-3 दशक से दूर था वो एकजुट कर लिया। तो राहुल गांधी के अंदर वो कैलिबर है, राहुल गांधी के अंदर वो ऊर्जा है, राहुल गांधी के अंदर वो क्षमता है, जो 2.5-3 दशक पुरानी रंजिश को, व्यवस्थता को समाप्त कर दिया उन्होंने, तो वो देश को भी परो सकते हैं, जनता के हित में भी अच्छे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक दूसरे पक्ष की बातें वो मीडिया में ही चल रही हैं, पर्सनली कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब आप आज का एक ये दूसरा वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो आज का ही है। इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को प्रेम कर रहे हैं। अच्छा सीन है, अच्छा दृश्य है, सबको पसंद आ रहा है, प्रशंसा करने वाली बात भी है। कोई भाई बहन इतना ही प्रेम करते हैं आपस में सब, और बहन से कहीं भी कभी भी किसी भी तरह से प्रेम जताया जा सकता है, किया जा सकता है। तो भारत जोड़ो यात्रा की के मंच पर ही ये सब उन्होंने किया है। हालांकि प्रियंका गांधी थोड़ी सी हाव भाव से असहज दिख रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहन भाई है, जहाँ चाहें वहाँ वहाँ प्रेम कर सकते हैं, भाई जहाँ चाहें वहाँ प्रेम का प्रदर्शन कर सकता है, और वो कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब बहन के साथ आप इतने सहज हैं, इतने वात्सल्य में हैं, प्रेम लुटाने से आप रोक नहीं पाए, प्रियंका जी के असहज होने के बावजूद आप लगातार प्रेम की बारिश कर रहे हैं, तो यही प्रेम वरुण गांधी पर भी टूटाना चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए, यात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। आपकी शक्ति बढ़ेगी, कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी, देश में अच्छा मैसेज जाएगा। एक वो उधर से नफरत की फैक्ट्री बंद करने की बात कर रहे हैं, आप इधर से नफरत की फैक्ट्री बंद करने की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स समझ में जनता की आ नहीं रही है। इस बात को थोड़ा सा दोनों भाई मिलकर स्पष्ट करें, या तो वरुण गांधी वहाँ चले जाएं या राहुल गांधी उन्हें बुला लें, दोनों में से कोई एक व्यक्ति आगे बढ़े, दोनों की ताकत बढ़ेगी, उससे दोनों की शक्ति बढ़ेगी, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।